अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान दसर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी जेकी सियासी सूरत हाल कंहिं तरफ़ वञी रही आहे। माह रमज़ान जो बाबरकत महीनो जारी सारी आहे, पर सियासी माहौल अञा बि गरम आहे। सियासी माहौल जे अगरि ॾिसजे त हुकूमत जेके हिन वक़्तु पी डी एम जी गॾियल जमातूं आहिनि उन्हनि जो ज़ोर आहे। पी डी एम जो गॾियल तौर ते इमरान ख़ान जे हवाले सां हुननि जो ज़ोर जेको आहे इलेक्शन जे हवाले सां बि आहे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी करे छॾिया आहिनि, पर ॿिए पासे इहा ॿुधणी बि शुरू थी चुकी आहे सुप्रीम कोर्ट में त इहो इलेक्शन हाणे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी तोहीन आहे। हुन जे मुताबिक़ जेको सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो हुन मुताबिक़ इलेक्शन थियणु घुरिजे। सॼे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, कुझु सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। समुंड पार जेके पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि जी तरफ़ां पैसा छो न पिया अचनि, इहो हिकु वॾो हिकु सुवालु आहे। त इन सॼे सवालनि जो जवाबु अॼु वठंदासीं सरदार सलीम हैदर साहब सां गॾु मौजूदु आहिनि, वज़ीर ममलिकत आहिनि समुंड पार पाकिस्तान जी वज़ारत आहे। हुनजा सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। सरदार साहब, सबसे पहले कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किया, लेकिन उसमें एक चीज़ उन्होंने छोड़ी कि हमें ताउन नहीं किया गया, हमें अदारों की जानब से न सिक्योरिटी न फंड फ्राहम करना। ये तो वैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है ना, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं पूरी की इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मौजूदा मुल्की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। उसमें माशी तौर पर आपकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। गवर्नमेंट आपके सामने IMF और मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो बातचीत करके उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है, और इस पर भी जो है कि वो क्यों ख़राब है, क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो इस पर भी एक लंबी बहस है और वो भी यकीनन आगे चल के आपसे उस पर बात होगी। और दूसरा, सिक्योरिटी के हवाले से आप देखें तो सेंसस जो है वो शुरू है, उसमें ड्यूटियाँ हैं रमज़ान के हवाले से, सस्ता राशन जो है उस पर ड्यूटियाँ हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे पुलिस है चाहे आर्मी है वो सारे बिजी हैं। और वो उसमें आर्मी ने भी आपको कहा कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि जब तक सेंसस नहीं हो जाता उस वक्त तक हम अपने जो नौजवान हैं वो इधर देना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। और दूसरा ये है कि सरहदी सूरत हाल जो है इंडिया के साथ और काबुल के एरिया में अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे भी सरहद पे बहुत सारे मामलात हैं दहशतगर्दी के हवाले से। दोबारा आप देखें कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको रोक भी रहे हैं और उनके नेटवर्क को ख़त्म भी कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के इधर आना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अगर वो उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए और जहाँ तक उन्होंने काम किया अगर इसको छोड़ के इधर आएंगे तो नए सिरे से जो हैं वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो मुनज़म होंगे और फिर शायद वो स्टेज पे पहुंच जाएं कि आज अगर आप साथ साथ उनको जो है उस नेटवर्क को तोड़ रहे हैं तो फिर जब वो दोबारा से मुनज़म होंगे तो फिर शायद आपको ज़्यादा नुकसान उठा के फिर उनको कवर करना पड़े। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वजह से मौजूदा सूरत हाल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी और हुकूमत ने भी जो है वो माजरत की है। सरदार साहब, आपने जो भी रीजंस बताए सारे वो ठीक है, अपनी जगह पे वैलिड है, लेकिन आप मुस्तकबिल में इन सारे रीजंस की बुनियाद पे अगर इलेक्शन मुलतवी होता है तो आप उसकी हिमायत करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी तो जो है वो आपके सामने, हम तो ना उसकी हमायत कर रहे हैं ना हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हमारी तरफ से कल इलेक्शन हो जाए हम उसके लिए तैयार हैं, हमें कोई इसमें पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मुतालबा है इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव इनकी हैसियत से ये कह रहा हूँ आपको कि कल इलेक्शन हो जाए हम तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है इलेक्शन के हवाले से। जो लॉ एंड ऑर्डर या बाकी सूरत हाल है उसको फोर्सेस ने देखना है, गवर्नमेंट ने देखना है, ज़िम्मेदार इदारों ने देखना है। उस पर एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी राय जो है मुकदम नहीं हो सकती, उसको वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से हो तो हमें कोई इशू नहीं है, हमें ना हम इलेक्शन से भाग रहे हैं ना हमें इसमें कोई इशू है कि इलेक्शन कब हो, आज हो कल हो हम उसके लिए तैयार हैं, हमें कोई इशू। आपने वैसे वजारत दाखिला पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर दिया कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे? देखिए, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं ना कर सकते कि आप वजारत दाखिला पे फिक्स कर रहे हैं किसी को, तो सिक्योरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहले मुल्क की सिक्योरिटी मुकदम है ना। पहले ये तो नहीं है कि जो है वो सिक्योरिटी अगर हालात ख़राब है तो सब कुछ छोड़ दें, आप पहले कलेक्शन कराना शुरू कर दें उसके लिए कानून उसके
कानून में जगह है, किस तरह किया जा सकता है? कानून में जगह या आप बता सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस बता सकते हैं, उन वो भी जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी मर्जी से जिधर होता है कानून को मोड़ लेते हैं। आप साफी भी आपके अपनी अपनी सोच अपनी अपनी पसंद होती है, इस माशरे का हिस्सा है, आप भी उसको जिस तरह मर्जी है मोड़ के ले जाएं, वो आप बेहतर हकायक नहीं होते ना, आपके कहाँ हकायक होते हैं? साफियों के हकायक होते हैं, जिस तरह सियासतदानों के हकायक नहीं होते, जिस तरह अपना जजेस के हकायक नहीं होते, इस तरह साफियों के कहाँ हकायक होते हैं? आपके टीवी चैनल सबको पता है, जो अंधा है उसको भी पता है, ये टीवी चैनल नून के हमायत कर रहा है, ये टीवी चैनल पीटीआई की कर रहा है, ये साफी जो एंकर पर्सन है ये पीटीआई का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून का है, इस तरह तो कोई। अब आप बेशक कहें कि हम हकायक हकायक की आपसे भी पूछोगी, मेरे से भी होगी ज़रूर, लेकिन ना आप हकायक पर चलते हैं ना कोई और उन हकायक पे चलता है। आपने मेरे पे बात की, आपसे मुराद मेरी आपकी बिरादरी है, साफी बिरादरी। हम तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे आप कोशिश करें, आपको करनी चाहिए। मौजूद नहीं होती तो उसकी बिहाफ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो मेहमान होता है उससे पूछते हैं, लेकिन मेरा सवाल वो आपका हक बनता है, हर किस्म का क्वेश्चन आपको जरूर पूछना चाहिए, लेकिन आप अगर ये कहें कि साफी बिरादरी जो है वो बिल्कुल पाक साफ है और बिल्कुल वो तो न्यूट्रल है और वो मेरिट पे चलते हैं तो ऐसी बात नहीं है, वो तो आपने बता दिया सबकी इसी सब। क्योंकि कानून और पाकिस्तान की आवाम को तो पता है, कानून की बात की तो कानूनदान कहते हैं कि आईनी तरमीम हो सकती है, रेजोल्यूशन पास करके 6 माह तक एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए क्योंकि पीपल्स पार्टी तो जमहूरी पार्टी है, वो जमहूरियत पसंद है, वो हमेशा जमहूरी अमल को बड़ी हमायत करती है, तो इस अमल की हमायत करेगी अगर ये शॉर्टकट अपनाया गया? देखें इस अमल की हमायत तो पार्टी की आदत ने फैसला करना है, एक चीज जो आईन में मौजूद है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं, कोई गैर आइनी काम तो फिर तो आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी या फलां फलां क्यों गैर आइनी काम की हमायत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर अगर आइनी आइनी काम 90 दिन, वो कहते हैं कि आइन में लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन, देखे ना नहीं बिल्कुल लिखा हुआ है आइन में 90 दिन, लेकिन इससे पहले 88 में 2008 में 90 दिन में नहीं हुए इलेक्शन। अच्छा, अगर कुछ इस तरह के आपके पास हालात हों, मुश्किल सूरत हाल हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने 90 दिन में कराने। मैं आपसे थोड़ी वजाहत करना, जनरल ज़िया की शहादत के बाद या पहले की बात कर रहे हैं? जनरल ज़िया की जनरल ज़िया की मौत के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, या 88 में इलेक्शन टाइम पे हुए, 90 दिन में हुए, उस वक्त हालात थे ना, वो मुल्क का सरबराज हादसा हो गया ना, तो देखे ना अभी भी तो हादसे, आप चाहते हैं कि कोई मरे तो फिर ये 90 दिन से ऊपर हो, लेकिन हालात तो है ना, देखे आपने यहाँ पे इससे बढ़कर और क्या हालात हो सकते हैं? लेकिन वो 2008 में देखें कितने सख्त हालात थे, पीपल्स पार्टी हुकूमत थी यहाँ पे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी ना, इलेक्शन लेट हुए 2008 से 2013 तक थे ना, आपको पता कितने, तो वो भी इसी वजह से हुए, फिर भी नहीं, इलेक्शन तो अब भी होंगे ना, देखें ना इलेक्शन तो अब भी होंगे, लेकिन हालात के मुताबिक होना है ना, उस वक्त कोई अपना मर्दमशुमारी तो नहीं हो रही थी। हाँ बिल्कुल, तो अब मर्दमशुमारी, मर्दमशुमारी भी हो रही है आपके सामने, आपके सामने महंगाई इतनी ज़्यादा है लोगों, आप ये देखें ना, हम तो दूसरे दिन से कोई इदारे का हमें कोई अफसर मिल ही नहीं रहा, सारे आटे के पीछे भागे हुए हैं, लोगों को जो है भाग भाग के आटा दे रहे हैं, अगर वो उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, उनको करना, उनको भी आप छोड़ तो नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अब जब आपकी आर्मी ने कह दिया है कि हमारे पास नहीं है, हम आपको मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन के लिए फोर्स नहीं दे सकते, अगर आप पुलिस से दूसरी फोर्सेस को लगा के करा सकते हैं तो आप करा लें इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन भी उस बात पे एग्री है कि जो बात आर्मी कह रही है वो ठीक कह रहे हैं, कि आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप अपना अगर देखें ना, कतरे पिलाने के लिए जाते हैं आपको साथ आर्मी भेजनी पड़ती है, आप अगर घर घर जाके मर्दमशुमारी के लिए जाते हैं आपको आर्मी के लोग भेजना पड़ते हैं, पुलिस को साथ भेजना पड़ते हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बाकी मुल्कों में नहीं है, आपके मुल्क के हालात वाकयात ऐसे हैं, उनको भी साथ लेके आपने चलना है। सही सरदार साहब, ब्रेक लेंगे, को ब्रेक के बाद जो आटे की आपने बात की, यकीन तौर पर बड़ा अहम मौजू है, उस पर थोड़ी सी बात करें, ब्रेक था, ब्रेक था।